बयाद जान आलम के नाम से शहरोज़ा प्रोग्राम उर्दू एकेडमी मगरबी बंगाल में मुनाक़द किया गया। इस मौके पर बैन अल-अक़वामी सतह के कई मुअज़्ज़िज़ और कलमकार और मुसन्निफ़ ने अपने मकाले पढ़े। और इस प्रोग्राम के हवाले से नदीमुल हक, जो मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि इस प्रोग्राम को सजाने संवारने में कितनी मेहनत, उन्होंने किस तरह की कोशिश की। जिस तरह से आपकी सरपरस्ती में उर्दू अकेडमी, मगरबी उर्दू अकेडमी इस तरह से वाजिद अली शाह है, इन दोस्तों प्रोग्राम करी, क्या देखिए, बहुत खुशहाल बात है। दरअसल प्रोग्राम हमारा बहुत बड़ा था, लेकिन क्यों करके कलकत्ता का माहौल आप देख रहे हैं कैसा आजकल हो गया है, और होना भी चाहिए, प्रोटेस्ट चल रहा है हर जगह, तो इसलिए हम लोगों ने अपना प्रोग्राम को भी छोटा कर लिया और सिर्फ सेमिनार का हिस्सा बाकी रखा है। इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे बैन अल-अक़वामी इंटरनेशनल हमारे पार्टिसिपेंट हैं जो बाद में हमको नहीं मिलेंगे। लंदन से भी आए हुए हैं, लिवरपूल से भी आए हुए हैं, कैलिफोर्निया से भी आए हुए हैं, और भी दीगर जगह से, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से भी आए हुए हैं, तो इनको बाद में शायद हम लोग फिर से ये महफिल नहीं सजा सकते, तो लिहाजा सिर्फ सेमिनार का हिस्सा, ताकि उनके ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डाला जा सके, इसके लिए हम लोग सेमिनार किया। जो खास प्रोग्राम थे, क्या उसको पोस्टपोन कर दिया गया है या उसे फिर नहीं किया जाएगा, क्या किया गया? नहीं, अभी तो पोस्टपोन ही है, बाकी जब मौका मिलेगा फिर किया जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन आपको जानना चाहिए कि जहाँ हम लोग सेमिनार करते हैं, मुशायरा करते हैं, वहीं हम लोग हमारे जो तालिब इल्म हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी हम लोग बहुत काम करते हैं। और कल और आज आपने देखा कि स्टूडेंट का बुक ग्रांट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और इस साल एकेडमी 63 लाख रुपया करीब करीब ये तालिब इल्मों में इसको तकसीम करेगी बुक ग्रांट के हिसाब से। सर, बच्चे उर्दू लैंग्वेज से काफ़ी दूर होते चले आ रहे हैं, तो स्कूल्स के लिए और बच्चों के लिए क्या कोशिश रहेगी? ये तो स्कूल डिपार्टमेंट जवाब देगा आपको, स्कूल में क्या किया जा रहा है, लेकिन एकेडमी अपनी जानिब से ट्यूशन सेंटर चलाती है जहाँ उर्दू भी पढ़ाया जाता है। रहीम साहब, एक WBCS में जिस तरह से एक मसला आ रहा है उर्दू को लेकर, हिंदी को लेकर, सिंधाली को लेकर, तो एक देखा गया था कि ममता बनर्जी की जानिब से आया था कि ऐसा होगा, लेकिन कुछ ऐसा अभी देखा जा रहा है कि 2025-24 में होगा और 25 में उसी तरह होगा जिन्होंने अनाउंस किया था कि सभी को हटा दिया। मुझे पूरा मैं वाकिफ नहीं हूँ इस मसले से, अभी क्योंकि अभी दिल्ली में था, आज आया, मैंने मेरे नॉलेज में लाया गया है, अभी इसको स्टडी करूँगा क्या है नहीं है मसला, उसके बाद जो भी हल है उसको ज़रूर निकाला जाए। क्योंकि उर्दू एकेडमी हमेशा से उर्दू को फ़रोग देने में अहम रोल अदा किया, क्या इसमें भी अहम रोल अदा है? देखिए, 3 रोज़ा प्रोग्राम तो बड़े पैमाने में प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन इसको शॉर्ट कर दिया गया, और शॉर्ट करके अभी हमारा सिट एंड ड्रॉ 24 तारीख को हुआ था मटिया बुरुज में, जिसमें तकरीबन 800 के करीब बच्चे आए थे और गार्जियन के करीब करीब 1000 के करीब थे, और वहाँ पर बड़े जोश व खरोश से बच्चों ने सिट एंड ड्रॉ का प्रोग्राम किया, और सेमिनार हमारा ये 3 रोज़ा प्रोग्राम जो है ये हो रहा है, आज दूसरा दिन है, इंशाल्लाह कल 3रा दिन होगा, कल इख्तितामी प्रोग्राम होगा। हमारे उर्दू अकेडमी तो हर फील्ड में काम कर रही है, हर शोबे में काम कर रही है, एजुकेशन में हो या मुशायरा हो या सेमिनार हो या हमारा कोचिंग सेंटर हो या हम लोग बुक ग्रांट दें, इस तरह के डिफरेंट शोबों में काम कर रही है, इस तरह से इंशाल्लाह आइंदा भी एकेडमी काम करेगी।